सर रनिया के लिए गाड़ी लगी थी, ये विजय रोड लाइन से CCI लॉजिस्टिक्स के लिए, पेप्सी कंपनी के लिए। गाड़ी 3 दिन खड़ी होने के बाद गाड़ी वहाँ से खाली आई, और 3 दिन खाली होने के बाद, खाली आने के बाद यहाँ कंपनी में पहुँचे। जब कंपनी कहती है कि हम 7.5 टन वाली गाड़ी नहीं लोड करते, और वो कह रहे हैं कि हम गाड़ी लोड करवाएंगे, यानी कि 4 दिन हो गए गाड़ी को खड़े हुए। 4 दिन खड़े होने के बाद आज हमें खाली जाना पड़ रहा है, ना तो हल्टिंग चार्ज, और गाड़ियाँ वाराणसी से ये सतरनिया के लिए गाड़ी आई थी, यहाँ से कानपुर तक भी खाली जाना पड़ेगा, ना तो खाने के पैसे ना गाड़ी के खर्चा के पैसे, जो डीजल फूका उसके भी नहीं, ना हल्टिंग कोई, और CCI लॉजिस्टिक्स वाले कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ देंगे देंगे, 5 मिनट 5 मिनट, और उनकी मेन ब्रांच पे कॉल करी थी तो वो कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं। करे तो करे क्या, गाड़ी नंबर है UP 16 FT 9880, जो वाराणसी से नोएडा पेप्सी गोदाम के लिए गाड़ी लगी थी रिटेन में। वहाँ पे कमीशन दिया है उन्होंने, तो खैर कमीशन दे दिया उल्टा, बाकी इन्होंने अब तक कोई हल्टिंग वल्टिंग कुछ भी नहीं दिया हमें। तब मेरी गाड़ी ट्रांसपोर्ट से गई थी, विजय ट्रांसपोर्ट से CCI लॉजिस्टिक्स के लिए, पेप्सी के लिए गई थी। वहाँ पे 3 दिन खड़ी रहने के बाद वो गाड़ी लोड ना होने के कारण उल्टी आई गाड़ी, और उन्होंने कहा था कि हम पैसे दे देंगे हल्टिंग चार्ज, वो आज अब तक भी नहीं दिए, अप्रैल से लेकर मई तक। और ट्रांसपोर्ट TV वालों ने कई बार कॉल किया, उनको भी कहा था मैंने, उन्होंने भी कई बार प्रयास करने के बाद उन्होंने भी उनको नहीं दिया, और अब ये फ़ोन भी नहीं उठा रहे हमारा। ट्रांसपोर्ट वालों ने खूब हेल्प करने के बाद भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं पैसे दिए अब तक भी, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैं चाहता हूँ मेरी हेल्प हो, उन पर 8,000 रुपये वेटिंग चार्ज था, उन पर 8,000 रुपये बनना खर्चा। मैं तो सर बस ये मांगना चाहता हूँ कि जो मेरा खर्चा था वो खर्चा मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं, पर उन्होंने सर ये खर्चा भी नहीं दिया, और अभी 3 दिन हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। ट्रांसपोर्ट मालवा ने खूब हेल्प करी मेरी, और खूब उनसे फ़ोन की, खूब बात की उन्होंने भी, और उन्होंने जब भी पैसे नहीं दिए, फिर भी वो पैसे नहीं दिया, 3 दिन से तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हमारा। खूब फ़ोन करने के बाद खूब प्रयास कर लिया। मेरा नाम यशपाल है, मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट मॉल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जो कि 24 घंटे उपलब्ध है। कोई भी ड्राइवर भाई इस पर संपर्क कर सकता है ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर, और ये जो है RTO पुलिस या कोई डालने से संबंधित कोई भी परेशानी हो ड्राइवर भाई को, तो ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है। मैं ट्रांसपोर्ट मॉल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।